हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिना बूंदी छाने हलवाई स्टाइल की एक नई रेसिपी बताने वाली हूँ। चना दाल से मैं बनाने वाली हूँ मोतीचूर के लड्डू, जो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें कुछ भी बाहर की सामग्री नहीं लगेगी, जो कुछ हमारे घर में अवेलेबल है मैं उसी से बनाने वाली हूँ। चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे एक कटोरा दाल लिए थे, जो दो घंटा पहले हमने इसे धोकर अच्छे से फुला लिए हैं। इससे पहले मैं अच्छे से दरदरा पीस लेती हूँ। इसको ज्यादा महीन नहीं पीसना है, इसको हल्का दरदरा ही पीसना है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए मोटा मोटा हमने पीसे हैं। अभी मैं इसको इधर छान लेती हूँ, एक एक करके मैं इसे छान लेती हूँ। मैंने इसे अच्छे से छान लिया हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। हल्का सा ठंडा हो गया, इसे मैं छोटा छोटा पीसेस करने वाली हूँ। करके फिर से इसे मिक्सर में डाल रही हूँ। इसे एक बार और फिर से ग्राइंडर करना है। मैं इसको दरदरा ही पीसूंगी। देखिए मैंने इसे फिर से दरदरा पीस ली हूँ। चलिए मैं चाशनी बनाती हूँ। मैंने इस कटोरा से एक कटोरा दाल ली थी, और इसमें मैं एक कटोरा पानी डाल रही हूँ। इसी कटोरा से मैं दो कटोरा चीनी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से चला के इसे अच्छे से मेल्ट करना है। इसमें जब तक अच्छे से चिपचिपाहापन ना आ जाए, तब तक मैं इसे चलाते रहूंगी। देखिए अच्छे से चाशनी हो चुका है। मैं थोड़ा क्वांटिटी में इसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें अलग सा कलर करना है। बस थोड़ा मैं इसमें कलर डाल रही हूँ। अब मैं सब इसमें डाल रही हूँ, धीरे धीरे सब मिला रही हूँ अच्छे से। चाशनी पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका, अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। मैंने इसे हल्का सा ठंडा कर ली हूँ और मैं इसका लड्डू बना लेती हूँ। अब गरम हमने पहले थोड़ा तेल लगा के और फिर लड्डू मैं बना लेती हूँ फटाफट। देखिए दोस्तों, लग रही ना पूरी मोतीचूर की लड्डू जैसी। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।